दोस्तों, मुझे आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सोशल मीडिया से मालूम चला कि गोवा बीजेपी सरकार ने मुझे अरेस्ट करने के लिए गोवा से हरियाणा और दिल्ली पुलिस भेजी है, क्योंकि मैंने गोवा में बीजेपी सरकार के दौरान हुए स्कैम, करप्शन, एनवायरमेंट को हुए नुकसान और गोवा में खराब हो चुके लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी थी। प्रमोद सावंत सरकार के मुताबिक कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने गोवा को डिफेम करने की कोशिश की है, जिसमें मेरे वीडियो भी शामिल है, ऐसा मीडिया का कहना है। अब क्या जनता को सच बताना किसी सरकार को बदनाम करना कहा जाएगा? और अगर सरकार को लगता है कि मैंने बिना फैक्ट्स के बेसलेस रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, तो आप लोगों को याद दिला दूं कि ये सारी बातें अभी कुछ दिन पहले गोवा असेंबली में ही तो हुई थी। 50,000 कोटी स्कैम, लाड़ू 40 लाख लाड़ू खवेले। गोवा की मीडिया ने भी रिपोर्ट्स की थी और मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने न्यूज आर्टिकल्स और मैसेजेस भेजे थे कि मैं इन इश्यूज को कवर करूं। अब अपोजिशन के इन आरोपों पर आपको कुछ कहना है तो गोवा बीजेपी सरकार के लिए भी मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रमोद सावंत सर मुझे इंटरव्यू दें, अपना पक्ष रखें, ताकि गोवा के पब्लिक के सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें पुलिस भेजकर गोवा टैक्स पेयर्स का पैसा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुद गोवा बेहद पसंद है, आ जाऊंगा मैं तो वहीं बसना चाहता हूं, मगर गोवा के हालात ऐसे हैं कि क्या पता जहां पर मैं घर लूं वो ही इलीगल लैंड पर बना। और सर, मैं एक जर्नलिस्ट पहले हूं, इन्फ्लुएंसर बाद में, मेरा काम ही पब्लिक को इन्फॉर्म करना है। और प्लीज सेंटर की बीजेपी सरकार और मोदी जी से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो सरकार को बता दें कि अभी ब्रॉडकास्ट बिल लागू नहीं हुआ है, अभी देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर ऐसे अननेम्ड कंप्लेंट्स के जरिए जर्नलिस्ट को डराएंगे तो प्रेस रैंकिंग में आपके बार 400 पार जरूर कर जाएंगे। और गोवा के दोस्तों, माफ करना, मुझे मैसेज भेजना बंद कर दीजिए कैसे गोवा में 250 करोड़ में 250 सीसीटीवी कैमरे खरीदे गए, इसकी रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। इससे आपकी सरकार के मुताबिक गोवा की बदनामी हो सकती है और मुझे जेल हो सकती है।